देखिए, भारत में ग्रहण का जो प्रारंभ होगा वो जो है सबसे पहले भारत में द्वारका में जो है ग्रहण का प्रारंभ 9:55 से हो जाएगा, और सबसे देर में यह ग्रहण दिखना प्रारंभ होगा गुवाहाटी में, यानी 10:37 पर। वहीं काशी की अगर बात करते हैं तो काशी में इस ग्रहण का प्रारंभ जो है 10:31 पर होगा, जो मध्यान्ह 12:18 पर होगा, और ग्रहण का जो मोक्ष काल होगा वह जो है 2:04 पर होगा। काशी में जी और जगह पर कहाँ कहाँ कितने बजे होगा? जी देखिए, सबसे पहले यह ग्रहण जो है भारत के पश्चिम क्षेत्रों से दिखना प्रारंभ होगा, गुजरात महाराष्ट्र से, और सबसे लास्ट में दिखना प्रारंभ होगा भारत के पूर्वी क्षेत्रों में। वहीं अगर भारत के अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो यह ग्रहण जो है अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व एशिया, इंडोनेशिया और माइक्रोनेशिया, इन जगहों पर भी यह ग्रहण दिखाई देगा, क्योंकि यह ग्रहण कंकड़ाकृति ग्रहण है जो खंड सूर्य ग्रहण के रूप में भारत में दिखाई देगा, लेकिन कुछ जगह पर कंकड़ाकृति रूप में भी यह दिखाई देगा, जैसे उत्तरांचल उत्तरांचल के कुछ क्षेत्रों, देहरादून, चमोली, सिरसा, दिल्ली के सटा कुरुक्षेत्र इत्यादि जगहों पर जो है यह कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। खगोलीय दृष्टि से ये एक घटना मानी जा रही है, लेकिन उसी दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण ग्रहण है? हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में ग्रहण में तीन प्रकार माने जाते हैं, जो ग्रास सूर्य ग्रहण होता है। खग्रास सूर्य ग्रहण का मतलब यह है कि कोई बिंब धरती पर नहीं दिखता, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण। और दूसरा जो है कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण, जो कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण होता है वो बलयाकार होता है, यानी एक उसमें उसका बीच का भाग जो है ग्रहण ग्रसित होता है और किनारे का भाग दिखता है। और तीसरा जो ग्रहण जो होता है वो खंड सूर्य ग्रहण होता है, जो बीच बीच में कहीं कहीं दिखता है। तो निश्चित रूपेण यह जो है कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण है, जो कई जगहों पर जो है खंड सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा, कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। और हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में ग्रहण का बड़ा ही प्रभाव माना गया, धार्मिक प्रभाव होता है, धार्मिक मान्यताएं हैं। कहा गया है सूर्य ग्रह तु नासनी आज पूर्व याम चतुष्टयम, चंद्र ग्रह तु यामसिन बाल वृद्धा तु रैर्विना। सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पूर्व और चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पूर्व सूत्रकाल होता है। चूंकि धार्मिक कृत्य इस समय नहीं किया, इस समय में धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, और चूंकि यह कहा गया है कि बाहर जब 12 घंटा पूर्व जब सूतक काल लग जाता है तो उस समय मंदिर के कपाट इत्यादि बंद हो जाते हैं, मूर्ति स्पर्श वर्जित हो जाता है, और इस समय में धार्मिक कृत्य स्नान दान और ध्यान हवन इत्यादि किया जाता है। कुछ राशियों के लिए खराब है, किन किन राशियों पर खराब है और किन किन राशियों पर? देखिए, प्रमुख रूप से इस ग्रहण का प्रारंभ जो है राशि वृक्षशिरा नक्षत्र में होगा, लेकिन इसकी समाप्ति जो होगी आद्रा नक्षत्र में होगी। तो देखेंगे तो राशि के लग रहा है यह ग्रहण, तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे कष्टप्रद है, हानिप्रद है। लेकिन अगर हम 12 राशियों की बात करते हैं तो 12 राशियों में मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये 4 राशियां ऐसी हैं जिन राशियों के लिए यह ग्रहण बड़ा ही सुंदर रहने वाला है। इसके बाद वृषभ राशि और कर्क राशि और तुला, वृश्चिक, धनु और मीन, ये 8 राशियां ऐसी हैं, इन 8 राशियों के लिए यह ग्रहण बिल्कुल ठीक नहीं है। और ग्रहण अगर ठीक न हो तो ग्रहण काल में जो है इन ग्रहों से संबंधित दान करना चाहिए, जप करना चाहिए, हाँ हवन इत्यादि करना चाहिए, और भगवान भास्कर की आराधना करनी चाहिए, या ग्रह राशि यानी जिस ग्रह के जो स्वामी हो उस स्वामी की आराधना अर्चना पूजन इत्यादि करना चाहिए, लेकिन मूर्ति स्पर्श नहीं होना चाहिए।